बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर व्यूवर्स, ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑक्सफर्डियंस पे आप तमाम लोगों को खुशामदीद। वफाकी वजीर तालीम जनाब शफकत महमूद साहब के तमाम बोर्ड इम्तहानात की कैंसिलेशन और प्रमोशन पॉलिसी के ऐलान के बाद ये हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहली दो वीडियोज में हम उन बच्चों के मसाइल का जिक्र कर चुके हैं जो बच्चे अपने 9th और 11th क्लास के एग्जाम्स को पास नहीं कर पाए थे और वो बच्चे जिन्होंने 9th और 11th क्लास में रीएडमिशन लिया था। अभी इन दो वीडियोस के बाद आज की वीडियो में हम बात करेंगे माजी में से एक ऐसी एग्जाम्पल की जो हमारे लिए एक बड़ी मददगार हो सकती है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को रिवाइज करते हुए उस तजुर्बे से फायदा उठा सकती है। और ये तजुर्बा था लाहौर बोर्ड ने किया था साल 2005-06 में। पूरे लाहौर बोर्ड के तमाम तुलाबा जिन्होंने मैट्रिक का यानी 10वीं जमात का इम्तिहान दिया था उन्हें प्रमोट कर दिया गया था 11th क्लास में। उन्हें इस बात की इजाज़त दी गई थी कि वो कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे और तमाम अलहाकशुदा इदारे जो हैं उन्हें भी इस बात की इजाज़त दी गई थी कि वो उन बच्चों को भी एडमिशन दे देंगे जिन बच्चों का ग्रेड एफ है। मैट्रिक में 1, 2, 3 या इससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में एफ ग्रेड वाले तुलाबा को भी दाखला लेने की इजाजत दी गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो अपने इंटरमीडिएट के 2 सालों के दौरान इन एफ ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स का दोबारा पेपर देंगे और उन्हें पास कर लेंगे। ऐसा किया गया था बच्चों के साल को जाया होने से बचाने के लिए। तो इस साल भी यही पॉलिसी जो है वो अप्लाई की जा सकती है कि वो बच्चे जो 9th और 11th के रिजल्ट की बुनियाद पे जिनकी प्रमोशन होनी है, अगर वो 9th और 11th में फेल थे उन्हें प्रमोट किया जाए, उन बच्चों को कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस की इजाज़त दी जाए, लेकिन साथ ही में उन पे ये पाबंदी लगाई जा सकती है कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अपने कोर्स की कंप्लीशन से पहले पहले आपने अपने इन ग्रेड्स को जिन सब्जेक्ट्स में आप फेल थे उनका रीएडमिशन सप्ली के इम्तिहान में आप इन्हें पास करेंगे और अपने ग्रेड अपने उस सब्जेक्ट के ग्रेड को एफ से निकाल के आप ई डी सी बी ए या ए प्लस में लेके जाएंगे। तो ऐसा ये नज़रसानी जो है ऐसे हजारों बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर होगी। अगर ऐसा कर लिया जाता है तो वो बच्चे जो 9th और 11th में फेल थे लेकिन उनकी भरपूर तैयारी थी कि वो 10th और सेकंड ईयर के एग्जाम के साथ यानी 12वीं जमात के इम्तहान के साथ वो अपनी इन सप्लीज को भी क्लियर कर लेंगे, अपने इन फेलशुदा मजामीन के इम्तहान को भी पास कर लेंगे और अपनी डिवीजन को भी इम्प्रूव कर लेंगे। एक दफा फिर मैं ये बात कहता हूँ कि ये मुबहिम पॉलिसी जो है वो बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ी परेशान कुन खबर बनी हुई है। बच्चे मुसलसल परेशान हैं कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं, आपकी आवाज़ अरबाब इक्तदार तक किसी सूरत में पहुंचेगी कि आप हमारी इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए और इन वीडियोज़ को शेयर करके आप अपने मुतालबात जो हैं वो अरबाब इक्तदार तक पहुंचाएं, पॉलिसी मेकर्स तक आपकी आवाज पहुंचेगी, तभी इस पॉलिसी पे रिवीजन आएगी, तभी इस पॉलिसी पे नजरसानी की जाएगी और उन तमाम बच्चों के कंसर्न्स का भी ख्याल किया जाएगा जिनका जिक्र हम अपनी इन 3 वीडियोस में कर चुके हैं। तो डियर व्यूवर्स, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।